मुझे सुनने और देखने वालों को सबसे पहले अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल के होम गार्डनिंग में आप सबको खुश आमदीद। सो फ्रेंड्स, आपको मेरे पीछे जो है ये एक छोटी सी क्यारी नज़र आ रही होगी, जिसमें मैंने जेरेनियम के प्लांट्स जो है वो लगाए हुए हैं। तो आज मैं कुछ चेंजिंग करने वाला हूँ इस क्यारी से, जेरेनियम के प्लांट्स जो है निकाल कर पॉट्स में जो है शिफ्ट कर दूँगा, और साथ ही इसी क्यारी में जो है कुछ सदाबहार जो है वो खुद से ही उग गए हैं, जनरेट हो गए हैं, तो उनको भी जो है मैं इसमें से जो है वो निकाल के सेपरेट कर दूंगा। ये क्यारी बिल्कुल खाली हो जाएगी, और फिर इसी क्यारी में आपको साइड में अगर आप देख रहे होंगे पीछे मेरे पुदीने के पॉट्स नज़र आ रहे होंगे, तो ये जितने भी पुदीने हैं इनको मैं यहाँ पर इस क्यारी में शिफ्ट करने वाला हूँ। इसकी वजह यह है कि मैं चाहता हूँ कि ये क्यारी जो है पूरी मेरी फुल ग्रीनरी रहे और पुदीने से भरी रहे, और पुदीना जो है मिंट एक वेजिटेबल्स है और काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल भी होता है, तो काफ़ी बेनिफिशियल जो है ये प्लांट्स है, तो इसे मैं अपनी क्यारी में लगाने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको जल्दी से जो है ये लगा कर दिखाता हूँ और आप देखते रहिए। आप देख सकते हैं ये छोटी सी क्यारी है हमारी, तकरीबन 3 फुट की ये क्यारी है, जिसके अंदर ये जेरेनियम के प्लांट्स लगे हुए हैं, जो ये देसी वैरायटी है, तो जो कि 12 महीने फ्लावरिंग भी करता है। लेकिन हम इसको यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम ये पुदीना लगाने वाले हैं। जी हाँ, ये पुदीना है, देख सकते हैं आप कितनी अच्छी ग्रोथ इसकी हो रही है। तो हमने ये प्लानिंग की है कि इसको यहाँ पर क्यारी को लगाएं, ताकि यहाँ से हर कोई जिसको भी पुदीना की ज़रूरत हो वो यहाँ से कटिंग करके अपने घर के यूज़ के लिए किचन में इसको फ्री में यूज़ कर सकता है। तो सबसे पहले हम ये जेरेनियम के प्लांट को शिफ्ट करेंगे। ये हमने पॉट लेकर आए हैं, तकरीबन 12 इंच के पॉट है ये, तो इसके अंदर शिफ्ट करेंगे। और इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये देसी सदाबहार विंका प्लांट यहाँ पे निकल आए हैं। सीड्स कहीं ना कहीं से आ जाते होंगे, गिर जाते होंगे यहाँ पर, तो जिसकी वजह से ये सीड्स यहाँ पर उग जाते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे बेबी प्लांट्स भी हैं, तो हम इनको भी यहाँ से निकाल देंगे। और सबको निकालने के बाद ये पुदीना है हमारी, दो अपना 12 इंच के दो पोट है और 5-5 इंच के दो पोट ये है, तो इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो आज की हमारी ये वीडियो है, बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सीन में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम मिट्टी लेकर आ चुके हैं, और अब हम यहाँ छोटे छोटे गमले भी यहाँ पर रखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं 5 इंच की गमले। तो मिट्टी हमने इसकी बनाई है जो हमारी होती है हमेशा से, 70% बालू मिट्टी होती है और 30% काउ डंग मैन्योर होता है इसका, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है ये हर कोई प्लांट के लिए। इसके अलावा फिर प्लांट के हिसाब से वक्तन फोक्तन हम इसके अंदर फर्टिलाइज़र करते रहते हैं, डिपेंड करता है कौन से प्लांट को कौन सा फर्टिलाइज़र चाहिए, उसकी भी हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो ये 5-5 इंच के पॉट है, इनके अंदर हम ये छोटे छोटे प्लांट शिफ्ट करने वाले हैं। देखिए, ये कैमरन साहब हमारे साथ है आज भी, तो ये किस तरीके से यहाँ पे सदाबहार को सबसे पहले निकालेंगे। बहुत आसानी से इसको निकालना होता है, और थोड़ी सी केयरिंग करनी होती है कि इसकी रूट्स कहीं ज़्यादा डैमेज ना हो जाए। इसके अलावा ये सदाबहार है, आसानी से शिफ्ट हो जाता है और फौरन ये चल जाता है, इसमें मरने के चांसेस बहुत कम होते हैं इसके। ये हम एक प्लांट्स को निकाल चुके हैं सक्सेसफुली, और थोड़ी हवा भी चल रही है, तो इसको आराम से हम इसके अंदर शिफ्ट करने वाले हैं, और बहुत आसानी से ये शिफ्टिंग हो जाती है। और शिफ्ट करने के बाद हमें इनको अच्छे तरीके से पानी देना होगा। तो एक काम करते हैं, पहले हम ये सारे सदाबहार को शिफ्ट करते हैं, फिर आगे की आपको मैं अपडेट्स देता हूँ, वरना ये वीडियो एक एक सबकी दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने नन्हे नन्हे बेबी प्लांट सदाबहार के हमने इसको सक्सेसफुली शिफ्ट किया है, बहुत आसानी से शिफ्ट हो जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो ये सारे प्लांट्स हम शिफ्ट कर चुके हैं, तकरीबन 5 हमने इसके पॉट बनाए हैं, जिसके अंदर 6 सदाबहार हमारे निकले हैं। एक और आपको बताओ, देखो एक और हमें फ्री का प्लांट मिला है, आप ये देखिए, ये जीनिया का प्लांट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारी जो वो क्यारी थी सदाबहार की, उसके अंदर जीनिया के प्लांट्स निकले थे, तो शायद हो सकता है वहाँ से उड़ता एक सीड यहाँ पे आके गिरा होगा। तो ये जीनिया का प्लांट एक और हमें मिल गया, ये भी हम यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं और इसको भी हम इस पॉट में डाल रहे हैं। इसके बाद हम इन चारों जेरेनियम प्लांट को भी शिफ्ट करके आपको अपडेट्स देते हैं, और फिर पुदीना को किस तरीके से लगाना है ये भी हम आपको बताएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जेरेनियम के 3 प्लांट को हम सक्सेसफुली शिफ्ट कर चुके हैं,
आखिरी प्लांट भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे इसकी शिफ्टिंग हो रही है। तो कोई मुश्किल नहीं होती शिफ्ट करना, कोई भी किस्म का प्लांट हो। इससे पहले हमने सदाबहार शिफ्ट किया, जीनिया शिफ्ट किया, और ये बड़ा वाला प्लांट शिफ्ट कर रहे हैं। छोटे से छोटा प्लांट हो, बड़े से बड़ा प्लांट हो, अगर हम इसको टेक्निक से शिफ्ट करेंगे तो हमें कभी भी हमारे प्लांट्स मरेंगे नहीं, और हम सक्सेसफुली अपने प्लांट्स को मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हम अपने गार्डन से स्वाद हासिल करते रहेंगे। स्वाद क्या होता है? तो फ्रेंड्स, टोटली हमारी ये क्यारी खाली हो चुकी है और यहाँ पर हमने होल भी कर दिया है पुदीने के प्लांट्स को लगाने के लिए। तो अब हम जो है ना पुदीना का प्लांट्स लगाना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बड़े वाले पॉट लगाएंगे, क्योंकि दो बड़े पॉट है हमारे पास और दो छोटे पॉट है वहाँ रखे हुए हैं। तो चार पॉट हम यहाँ पे रखने वाले हैं। एक कोने में बड़ा पॉट यहाँ रखेंगे, दूसरे कोने में वहाँ, और दो बीच में छोटा प्लांट लगा देंगे। कितने आसान तरीके से देखो इन्होंने निकाल लिया है, और इसकी रूट्स भी वगैरह आपको नज़र आ रही है, और बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ ये कर रहा है प्लांट्स। तो इसको देखो किस तरीके से पूरे गमले को यहाँ पे सेट कर रहे हैं। वाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी ग्रोथ पुदीने ने हमको दी है यहाँ पर। और आपको ये भी बता दूँ फ्रेंड्स कि दिसंबर के महीने में कामरन साहब ने ये पुदीने का पौधा लाया था, और ये नहीं लाया था, वो जो आपको सामने दिख रहा होगा 5 इंच का जो पॉट है, वो एक पौधा लेकर आए थे दिसंबर के महीने में। तो उस एक पौधे से इन्होंने 5 पॉट जो है ना इसके पुदीने के तैयार कर लिए हैं। 4 पॉट यहाँ पर है और 1 पॉट इन्होंने रूफ टॉप गार्डन में अपना रखा हुआ है, वो आपको मैं बाद में दिखा दूंगा। तो बहुत आसानी से इसकी कटिंग हम लगा सकते हैं, और बहुत फैलने वाला पुदीना जो ये पौधा है वो बहुत फैलता है, और बहुत आसानी से ये अपनी ग्रोथ जारी रखता है। तो अब हम अपनी इस क्यारी में सब पौधों को लगा देंगे लाइन से, और ये पूरी क्यारी हमारी पौधों से भर जाएंगी, और फिर हम मजीद इसके अंदर से नए नए पॉट्स वगैरह तैयार करते रहेंगे कटिंग के जरिए से, और इसको हम अपने किचन में भी यूज़ करते रहेंगे। इसके अलावा आप देख रहे हैं इसके अंदर फ्लावरिंग भी शुरू हो चुकी है। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल फ्लावरिंग लग रही है। इसी के ज़रिए से इसके सीड्स तैयार होंगे, और इसके सीड्स इसी क्यारी में गिरते जाएंगे, और इसके अंदर नए नए पुदीने की शूट्स वगैरह भी निकलती रहेगी। तो अब देखिए ये हम आखिरी प्लांट्स निकाल रहे हैं 5 इंच के पॉट से। सक्सेसफुली इस तरह ये निकल चुका है प्लांट्स, और यहाँ होल भी किया हुआ है। तो इसको हम इसमें रख रहे हैं, और 3 प्लांट ऑलरेडी हम लगा चुके हैं, 4th प्लांट भी ये लगा दिया है, और अच्छे तरीके से अभी कामरन साहब इसको कवर कर देंगे। और फिर आप ये देखिए हमारी क्यारी में पुदीने का प्लांट्स कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है, और माशाल्लाह से ये क्यारी भी पूरी फुल हो चुकी है। एक बार कामरन साहब इसको सेट कर ले तो फिर हम थोड़ी सी आपको पुदीने के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से हमने इसको इसकी केयर कर रहे हैं, ये भी हम आपको बताते हैं। तो गाइस, कामरन साहब पाइप ले आए हैं पानी का, शावरिंग शुरू कर दी है। आप देख रहे हैं अब सदाबहार के प्लांट्स को शावरिंग कर रहे हैं, और शावरिंग करने का मुझे लगता है कि एक फ़ायदा ये होता है कि इसके अगर ऊपर से सीडलिंग वगैरह कुछ जो है ना अगर आ रही होती है, बीज बन रहे होते हैं, वो मिट्टी के अंदर गिर जाती है, जिसकी वजह से हमें फ्री के प्लांट्स जो है ना इसके अंदर से मिलते रहते हैं। तो अब हम अपने इन प्लांट्स को पानी देंगे, और पानी देने के लिए हमें हमेशा ये इसका जो सेटिंग होती है कि फर्स्ट टाइम इसको हम बहुत अच्छे तरीके से पानी देंगे, ताकि इसकी रूट्स अच्छे तरीके से पानी को पी ले, क्योंकि शिफ्टिंग के बाद इनको थोड़ा सा शॉक लगा होता है, तो जिसकी वजह से इनको पानी ज़्यादा मिलता है, तो फिर ये बहुत अच्छे तरीके से रिकवर कर लेते हैं। तो ये जेरिनियम के प्लांट्स थे, ये सदाबहार के प्लांट्स जो हमने लगाए थे फ्री के, और बहुत स्लो तरीके से इनको पानी देना है। अभी इनके हालत थोड़ी सी ऐसी टाइट हो गई क्योंकि मिट्टी सूखी थी, तो इसलिए हमने इसको पानी दे दिया। थोड़ी देर में आप देख सकते हैं कि ये सारे प्लांट्स उठ जाएंगे, और उसका भी मैं आपको लुक बताऊंगा। और पुदीने की भी आप सेटिंग देख रहे हैं, इसको भी हम पानी दे रहे हैं, इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। इसी पानी का छिड़काव इसीलिए करते हैं कि इसके लीव्स वगैरह साफ़ सुथरे रहे, और इसकी सीडलिंग वगैरह हो उसी के अंदर गिरते रहे, जिससे हमें फ्री के प्लांट्स भी मिलते रहे। तो गाइस, कामरन साहब पानी दे के फारिग हो चुके हैं। अब हम पूछते हैं कामरन साहब थोड़ी सी पुदीने की केयर हमें बता दें, ताकि हम पुदीने को अच्छे से ग्रोथ कर सकें अपने घरों में। तो दोस्तों, पुदीने की जो केयरिंग है वो बहुत ही सिंपल है, आसान है। पुदीने के लिए जो सोयल मिक्सचर जो अभी हमने रेडी किया है वो 70% भालू मिट्टी और 30% काउडंग है। और तो इस पुदीने के लिए जो सोयल मिक्सचर रेडी किया ये बहुत ही ज़बरदस्त है, बेहतरीन है और एक आइडियल है। तो इसमें जो सोयल मिक्सचर हम रेडी करते हैं, पुदीने को बिल्कुल जो है नरम वाला सोयल मिक्सचर चाहिए होता है। अगर ज़्यादा सख्त सोयल मिक्सचर हो तो फिर जो है वो उसमें इसकी रूट्स को फैलने में जो है परेशानी होती है। तो पुदीने की ग्रोथ बहुत आसान है, इसकी जो है मॉइस्चर इसको बहुत ज़्यादा पसंद रहता है। तो हमें कोशिश करनी है, और मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि मॉइस्चर इसमें हमेशा बना रहे। तो वक्तन फ़क्तन मैं इसमें वाटरिंग जो है करता रहता हूँ, और
अभी इस वक्त गर्मियां बहुत ज्यादा चल रही है तो इसको डेली बेसिस पर वाटरिंग की जरूरत है, और सर्दियां जब होती है तो सर्दियों में एक दिन छोड़कर एक दिन मैं इस पर वाटरिंग करता रहता हूँ। और पुदीने का जो खास सीजन है ग्रोथ का, वो सर्दियों में पुदीना बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ करता है। आइडियल टेम्परेचर अगर इसको मिले पुदीने को तो इसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। अगर जिस जगह भी मैंने इसे अभी लगाया हुआ है यहाँ पर, इससे तकरीबन दोपहर के 2 से 3 बजे के बाद से जो है धूप आना यहाँ शुरू होगी, और 5-6 बजे तक यानी कि 3-4 घंटे की धूप होगी, लेकिन वो ज्यादा हीट वाली धूप नहीं होगी। अगर इस पुदीने को ज्यादा हीट वाली धूप मिलेगी तो फिर ये जो पुदीना है जलना शुरू हो जाएगा, सूखना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए इसको जलने से बचाने के लिए वक्तन फक्तन जो है मैं इसमें शावरिंग भी करता रहूँगा। तो बहुत सिंपल इसकी ग्रोथ है, बस आपको मॉइस्चर बनाए रखना है, और खाद जो है गर्मियों में बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं करनी। अभी जो मैंने न्यू सॉइल मिक्सचर इसका रेडी किया है तो इसमें खाद थोड़ी सी मिक्स है। अब मैं इसमें जो खाद ऐड करूँगा वो तकरीबन 3 से 4 महीने बाद जब मानसून का सीज़न एंड होगा तब मैं इसमें न्यू खाद ऐड करूँगा। तो बहुत सिंपल इसकी ग्रोथ है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो हमारी। हमने यहाँ सदाबहार फ्री प्लांट्स हासिल किए, जीनिया प्लांट हासिल किया, और जेरेनियम प्लांट को सक्सेसफुली शिफ्ट किया हमने, और पुदीना की एक ब्यूटीफुल क्यारी हमने बनाई है। अब इसी पुदीना को हम मजीद मल्टीप्लाई करते करते ये क्यारी भी हमारी भरी भी रहेगी, और हम इसको किचन में भी यूज़ करेंगे, दूसरों को भी यूज़ करवाएंगे, और इसके अलावा इसकी हम कटिंगें भी लगाते जाएंगे। इसमें उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, हमारे प्लांट्स आपको ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हाँ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, शब्बा खैर।